राहुल गांधी अपने ही बिछाए जाल में फंसते चले जा रहे हैं। पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में राहुल गांधी ऐसे बयान दे देते हैं जिससे उनकी और उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। उनके बयानों की वजह से कई बार कांग्रेस बैकफुट पर जा चुकी है, लेकिन राहुल गांधी इसे मानने को तैयार नहीं। अपने बयान की वजह से ही राहुल गांधी संसद की सदस्यता गंवा चुके हैं। वहीं राहुल गांधी का कैम्ब्रिज में दिया गया उनका भाषण अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। राहुल गांधी कहते रह गए कि मुझे संसद में बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो और अधिक संसद की गरिमा को तार तार करते रहे और उससे पहले ही उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई और वो वर्तमान से पूर्व सांसद हो गए। अभी राहुल गांधी अपनी सदस्यता जाने का राग अलाप ही रहे थे, तब तक देश के विदेश मंत्री ने उन पर और अधिक गंभीर आरोप लगाकर उन्हें परेशानी में डाल दिया और बिना नाम लिए गांधी परिवार के युवराज पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ऐसे भी लोग विदेश में जाकर भारत का नाम खराब करते हैं। आखिर क्या कुछ कहा विदेश मंत्री ने अपने भाषण में, चलिए आपको बताते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश के अंदर के लोग राजनीति को बाहर लेकर जा रहे हैं और देश के बाहर के लोग अंदर की राजनीति में दखल दे रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि आज हम यही देख रहे हैं। जयशंकर ने कहा 2014 तक भारत में चीजें कैसी थी, दुनिया में बहुत से लोग इससे बहुत सहज थे, लेकिन 2014 में चीजें बदलने के बाद उन्होंने अलग आत्मविश्वास, अलग अस्तित्व देखा। अचानक से लोग कहने लगे कि कुछ गड़बड़ है, अदालत ठीक से काम नहीं कर रही है, चुनाव आयोग ठीक नहीं है, प्रेस पर पाबंदी लगाई जा रही है। उन्होंने पूछा कि सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इशारों में राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयान को लेकर उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों हो रहा है? आपके पास भारत के बाहर ऐसे लोग हैं जो विदेश में देश को लेकर बयान देते हैं, ऐसे लोगों को देश में चुनावी सफलता नहीं मिलती, इसके बाद भी बाहर उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में देखा जाता है। अगर आप इतिहास देखें तो यह सामान्य बात है। कांग्रेस को यह समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी सरीके नेता के साथ रखकर कांग्रेस विपक्षी एकता को केंद्र में नहीं हो सकती, ना ही देश की राजनीति में कोई नया सियासी विमर्श पैदा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।